सो गाइस निधि जी मिल चुके हैं हमें। कहाँ? धामी में मिले। धामी में नहीं, मैं पीटीसी आई हूँ। और ये पीटीसी के पीछे, पीटीसी का पिछवाड़ा। तो आप आना, तो पीटीसी आपको आना चाहिए यार। टाइम लग रहा है देखो। तो आपको कैसे लग रहा है मेरे को देख के? थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, मतलब पहले से। आपको कैसे लग रहा है मेरे को पीटीसी में? ओ भाई, गोरी हो गए बिल्कुल कसम से। पता नहीं कौन सी क्रीम लग रही है। तो धामी आकर काफी अच्छा लगा। ठीक है निधि जी, बाय। आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? बढ़िया लगा। कुछ अपने वक्तव्य? धामियाना आना फिर से दोबारा। दुकान है बस। ये वाली है की दुकान है। मैं भी आई हूँ। सो गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे, डे टू। तो आज हम गए थे ड्यूटी वापस शिमला के लिए। वहां से हम लोगों को भेज दिया कि आज तुम्हारी रवानगी है, लेकिन रवानगी हुई नहीं और मैं अपना सामान लेने घर आई थी। और मैं कोई घास कोई चल जाती है मुझे दीदी यार, ड्यूटी से वापस आ गई और उसके बाद घास को नहीं घा ले आना था जाके तो तक। और चुप रहे हुए मेरे कभी भी बुला देना थोड़ा, मैंने घास को जाना तुम्हारी शर्म है ना? ले सुबह की आई तू, चार लगे बजने, आधी घेंड लुड़नी थी खाई राची। वेलकम बैक। चलना थोड़ी तेरा वैसा पीटीसी। हाँ, तेरे को मेरी याद आती नहीं होनी है ना? मेरे को तेरा स्वेटर चाहिए था, बड़ा स्वेटर। देख, इनको नहीं आती मेरी याद ही, कुछ नहीं। इनको लगता भी नहीं कि मैं घर से गई भी हूँ। हर हफ्ते हर तीज तो आ जाती वापस। क्यों नहीं लगेगा हमारे को कि तू गई हुई है? तमीज लड़की, बदतमीज लड़की वे। ओह यार, मोटी हो गई हूँ मैं। तू नहीं हुई मोटी, शायद हम पतले हो गए। हाँ, नहीं इसकी सेटिंग ही पतली है। तो गाइस अभी लगा रखा है यहाँ पे हीटर क्योंकि यहाँ है ठंड। पता नहीं कब आएंगे वो लोग और कब हम जाएंगे, कुछ पता लग रहा है। तो रजाई लेके सो ही जाते हैं अब थोड़ी देर के लिए। हाय गाइस, हेलो जीदी, हेलो, कैसे हैं आप? आप हमारे ब्लॉग देखते हैं? हाँ, देखा करो। देखते हम तो। सुन, मेरी ये येल्लो वाली बॉटल में पानी भर दे। सुबह से बेवकूफ बना रहे हमारा, बोलो हम जा रहे जा रहे। अरे तो हमारे को सुबह आ गए थे ऑर्डर के हम जाएंगे। चलो जाओ, इसमें पानी निकाल दे। ठीक है, अच्छा क्या बना रही तू? सो गाइस देखिए निहाल भी आ गया है, भाई अपना। निहाल जी, निहाल वर्मा, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपको देखकर फिर से एक बार खुशी हुई। हाँ, चंडीगढ़ एक गाड़ी है, बाकी शहर पूरे चार। इसकी गाड़ियों का नहीं मुकता। टॉमू चंडीगढ़ ऑन द फिट अप कर रहे। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं जो लास्ट टाइम मेरा ओबरा बढ़ रहा था, जिसकी इससे उस टाइम नींव भी नहीं थी जब हम पिछली बार छुट्टी आए थे, अगर आपने व्लॉग में देख रखा हो तो। अब ये पूरा तैयार है और इसमें थोड़े टाइम बाद हम अपने गऊओं को रखेंगे और वहाँ पर सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा लगता है। काम चला इस वजह से आंगन की बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरी हालत हो रखी है, पर जो चीज़ हमें चाहिए थी वो तैयार है। मम्मी से मिलाते हैं आपको। मम्मी ये क्या कर रहे हैं आप? सो गाइस हमारे अभी पैडिया भी नहीं है तो ये लगा रखा है, सुबह हम तो इसे संगा बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। मम्मी राम से उतरना देखना, टोलकू जैसे आप छूट जाते इससे कहीं, मोटू जैसे मामा। मम्मी जा रहे अब हम, मैं और सारा दिन बर्बाद कर रहा चाहिए। अभी आपको अच्छा लगता है यार मैं घर आती हूँ? नहीं, सारी दिन बर्बाद कर दो, मेरा घा काटने का टाइम। तो अब हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना, खुश रहो मेरा बेटा। ठीक है बच्चू? हाँ जी। गोली मम्मा, ठीक है? गोलू ठीक है ना तू? ओहो तेरी कटिंग। ओ भाई, तो गाइस अभी निहाल आ गया और अभी हम इसके साथ जाएंगे। ये तो ऐसे ही आ गया था एटीएम तक, तो हमने सोचा इसी के साथ चलते हैं। कितने जने जाएंगे निहाल? तू बाइक में, हम तीनों को ले जाएगा? चार तीन है तो, मतलब एक बैग दो हम। तब ठीक है, बैग ही है मतलब, मेरे जितने मैं हूँ उतने बैग है। तो अब हम वापिस जा रहे हैं। मम्मी आपको ठीक लगता है ना जब मैं घर आती हूँ? आपको बुरा भी नहीं लगता जब मैं जाती हूँ ना? बुरा भी लगता है ना, मतलब ही नहीं, शांति है। तो लव पिता दौड़े है ओड़े ही, कुछ चलो भी। अब तो हम साल बाद ही आएंगे, क्या पता है कुछ और साल। नहीं नहीं, हमारे देवते का कार्य होगा तब आऊंगा शायद छुट्टी देके। अभी तो दोस्तों घर आकर हमें हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और ये गरीब का घर, तो अब वापिस जा रहे पीटीसी। नहीं जाना था, जब घर आ जाते ना तब ऐसा दिल करता नहीं जाना था, फिर जब पीटीसी में होते तब वहाँ पे भी ऐसा दिल करता कि नहीं जाना था। पता नहीं हम हर जगह ये दिल क्यों लगा लेते हैं, दिल भर। ये देखो इनको बास लग जाती कि मैं आ गई और ये आई जाते बोले मुन्नू कैसा है, कैसा है, कैसा है।
लगी तुम्हारे को बस। नमस्ते दीदी। आयुष्मान कैसी है? ठीक है। तू तुम्हारे को क्या बास लगी थी? मैं आई क्या लगी थी? तू तो जब हमने तेरा वो देखा ना वीडियो देखी था हम फटाफट आ गए। मैं क्या वो पहुंची इधर? ओ भाई बिग फैन ब्रो, बिग फैन ब्रो, बिग फैन। ये है मेरे घर के बाहर का कुछ दृश्य। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है जो मेरे घर को धूप नहीं आने देते, और ये हमें सूरज भी पेड़ों के बीच से देखना पड़ता है, और ये अस्त भी पेड़ों के बीच हो जाता है, तो यहाँ कोई धूप नहीं आती। यहाँ से आगे जाकर कुछ आगे जाकर वहाँ धूप आ जाती है, और लेंटर पर तो आ जाती है लेकिन यहाँ नहीं आती। और ये दोनों यहाँ कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे हैं लाइक टॉम एंड जेरी। मुझे अपना फोन दिखा इधर। नहीं, यहाँ बन रहा है व्लॉग। और तुम लड़का है करो बदतमीज जैसे। अरे शर्म नहीं तुम्हारे को बिल्कुल नहीं है? इंस्टाग्राम अपडेट करने के लिए एक करने दे रहे मेरे को। ये क्यों करने देगा? इस सॉरी एक बार बोलते हम बार बार नहीं बोलते यार। तो पटा के अपनी शक्ल तो दिखा दे। अरे ठंड लगी है। हाँ मेरे को शक्ल की पड़ी है। सो गाइस मम्मी के हाथ का कचालू खा के जा रहे हैं। आल की सब्जी मैस में तो बनती नहीं। सर को बोलेंगे सर आल बना दीजिए, ये वाला आल। ये हमारे यहाँ ही होता यार, ध्रो में आल नहीं होता क्या? आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? Once again, इन बच्चों की रक्षा करना। एक खूब पढ़े लिखे, इनका स्वास्थ्य सही रहे। आ जाओ बच्चों। नहीं नहीं मम्मी, आपने हर बार का देख दिया भी, इसने जाना। नहीं मैं फोटो ये आपने मम्मी को लूटने का धंधा शुरू कर दिया बिल्कुल ही। एक टिक्के के आपको 500 रुपए 200 रुपए जी नहीं दिहाड़ी बन रही है जी। मुझे आपकी ना दिहाड़ी चाहिए, रुपया चाहिए भैया। चलो आपका आशीर्वाद है ये चरण वंदन। जय हो माता रानी। चलो ठीक है हम गए अब। मम्मी एक हाथ से तो फोन भी तो पकड़ना पड़ता है। चलो भाई वो मम्मी बोल रहे निहाल को टीका लगाओ। निहाल ऐसे बोलते मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा अभी टीका। टीके मंगे रात में। बाय खुशी। तब गए हम। बाय बाय, ध्यान रखियो अपना, है ना? ओके okay.